नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं विपनेश माथुर। पहली खबर की शुरुआत कर रहे हैं जो कि अमेठी से है। अमेठी में दिल दहला देने वाली वारदात हुई है। दलित परिवार के चार लोगों की हत्या का है ये मामला। पति, पत्नी और दो बच्चों की हत्या की है। पूरे परिवार की गोली मारकर हत्या की गई है। सीएम योगी ने सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से कहा गया है कि इसमें सख्त एक्शन लिया जाएगा, जो भी कातिल है उसको बख्शा नहीं जाएगा। तमाम पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे हुए हैं और सबूत इकट्ठे किए जा रहे हैं। जांच की जा रही है क्यों इस परिवार का कत्ल हुआ है, कौन है वो कातिल, क्या वजह है, किसने मारा है, अभी तक नहीं पता चला है। दो तस्वीरें आपके सामने, देखिए यही जो तस्वीर हमने आपको दिखाई, परिवार के चार लोग जिसमें दो मासूम बच्चे, आप देखिए पति पत्नी और ये दो मासूम बच्चे, उनको भी कातिलों ने नहीं बख्शा है। गोली मारकर माता पिता के साथ दोनों बच्चों की हत्या कर दी गई है। पूरे इलाके में इस वक्त दहशत है। दूसरी तरफ जांच में टीमें, चार टीमें गठित की गई हैं जो कि जाँच कर रही हैं। सबूत भी इकट्ठे किए जा रहे हैं क्योंकि अब ये एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। सभी के मन में डर तो है, सवाल भी है कि आखिर परिवार की गोली मारकर हत्या क्यों की गई। घटनास्थल का निरीक्षण और इस तरह से किया गया है। हमारी जो फॉरेंसिक की टीम है उसने भी पहुंच करके घटनास्थल को हर तरह से साक्ष्य संकलित किए हैं। घटनास्थल के बारीकी से विश्लेषण करने पर बहुत स्पष्ट है कि कोई फोर्सफुल एंट्री नहीं है। इकलौता रोड जिससे कि लोग आए हैं वो दरवाज़ा है और या तो वो खुला है या खोला गया है। और जो स्थितियां जो और साक्ष्य मिले हैं वो बहुत महत्वपूर्ण साक्ष्य मिले हैं। हमारी चार टीम्स इसमें लगी हुई हैं। जिस महत्वपूर्ण साक्ष्य को हम लोगों ने अब तक संकलित किया है उस पर बहुत जल्दी घटना का अनावरण किया जाएगा।